कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुनासिब कवरेज देंगे। मौजूद साफ़ी हजरा, हमारा अपनी वालिदा के हिस्से पर अपने मामू के बेटे अब्दुल्ला खान उर्फ बादशाह खान, वल्द जान मोहम्मद नकीबुल्ला, वल्द मेराब खान असमतुल्ला, वल्द मेराब खान कौम का खड़ बाजई सकीना मुस्लिम बाग और नवासी के साथ मतनाज़ा चल रहा है। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ शरई उलमा किराम से मुख्तलिफ शरई उलमा किराम से फतवे भी हासिल किए हैं, जिस पर उन लोगों ने हमारी माँ के ईसा हकूक से दस्तबरदार कराने के लिए हमारे खिलाफ़ झूठी FIR दर्ज कराई है, जिसमें में हम अल्लाह के फजल करम से बाइज़्ज़त बरी हो गए। जिसके बाद अब्दुल्ला उर्फ बादशाह खान ने अपने भतीजे और अपने रिश्तेदारों के तवसुत से हमारी ज़ाती माइनिंग पर कब्ज़ा करने कर दिया है और हमारी बेटे बिस्मिल्लाह वाले नज़र मामा को मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए अगवा करने की कोशिश की। जब वो इसमें नाकाम हुए तो उन्होंने ज़दकोब करके ज़ख्मी कर लिया। इसके बाद हम मजबूर होकर कबायली रहनुमा अजीब मलिक अब्दुलबारी का खड़ के पास गए, उन्हें अपने मसले से आगाह किया, जिसके के बाद मलिक बारी का खड़ ने अपने एक बंदे के ज़रिए तहरीरी ख़त बादशाह खां के पास भेजा, जिसने उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और हमें अपनी माँ का हिस्सा देने से इनकारी है और हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया धमकाया जा रहा है कि मैं आप पर कत्ल का पर्चा करूंगा, आप और अगवा का केस करूंगा, जिसकी वजह से हमने अपने घर बार छोड़कर मजबूर हो गए घर बार छोड़कर अपने घर बार पर मजबूर हो गए छोड़कर और हमें वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला और दीगर उकाम बाला से अपील करते हैं कि वो हमें तहफ़ दे और हमें हमारी वालिदा और हमारी अपनी जायदाद दिलाने में अपना किरदार अदा करे। मौजूद साफ़ी हज़रात, हमारी वालिदा का हिस्से पर तनाज़ा अभी इस वक्त भी चल रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से मुस्लिम बाग के कुरमाइट ठेकेदारान और कुरमाइट कमेटी के उद्दारों को आगाह करते हैं कि वो मतनाज़ा एरिया अब्दुल्ला खान उर्फ बादशाह खान नकीबुल्ला के एरिए की कुरमाइट लोडिंग और ख़रीद फरोख्त ना करें। अगर किसी ने भी की कुरमाइट की ख़रीद फरोख्त लोडिंग किया तो वो अपने नुकसान का खुद ज़िम्मेदार हों।